सबसे पहले मैं करुणा के महासागर सम्मत कर दूं एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब आचार्य अम्बेडकर जी को सत नमन करता हूं। आवाज सुनाई दे रही मंच पर आती पूरी पृथ्वी हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम स्वदेशी एम पीपल साहब उदयवीर बौद्ध उपाध्यक्ष आर एस गौतम जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध महासभा के रंजीत सिंह महामंत्री जी इस प्रांगण में बैठे हुए हमारे सभी संबंध हो सभी को क्रांतिकारी के अधीन नमो है। आज इस पावन पर्व पर बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना है। साथियों सम्यक संबुद्ध का मार्ग जितना पढ़ोगे और पढ़ने के बाद जितना अमल करोगे उतना ही मंगल हम अपना करेंगे। हम जानते हैं आप सभी विद्वान साथी बैठे हैं ईद तो हमारे नेताओं की स्वभाव में होती है यहाँ से विद्वान साथी आते हैं। मैं सिर्फ एक डेढ़ मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। चतुर आर्य सत्य नहीं चार आर्य सत्य संसार में दुख है तो कागज ने कहा दुख का कारण निवारण और निवारण जानी मार साथियों ये आर्य सत्य है। दुख हर इंसान के जीवन में आता है और जब भी दुख आता है इंसान विचलित हो जाता है। तथागत का मानने वाला ये पशु साधक कभी विचलित नहीं होता क्योंकि जिसने सत्य को जान लिया कि दुख है ये हमेशा नहीं रहेगा इसके बाद सुख आना आवश्यक है और सुख किसी भगवान या किसी इष्ट का दिया हुआ नहीं होता। ज्यादातर लोग उसी पुरानी परंपरावादी बातों में उसी भाषा में बोलते हैं भगवान बड़ा सुख दिया ऐसा नहीं। तथागत के मार्ग पर चलने वाला इंसान समझता है कि दुख दो कारण से होता है राग और द्वेष। राग मीन्स आसक्ति अफेक्शन मोह किसी भी चीज में इतनी आसक्ति पैदा ना करें कि उसके दूर होने पर आपको दुख हो। निश्चित तौर पर जब भी आप ज्यादा आसक्तवान हो जाते हैं कुर्सी के प्रति किसी वस्तु के प्रति अपने शरीर के प्रति औलाद के प्रति किसी के भी प्रति जब आपका राग कुछ ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके पिछोड़ होने पर आपको दुख होगा। ये परम सत्य आर्य सत्य हम समता में अपना जीवन जिए तथागत ने कहा समता में जीवन जीते हैं तो ये दुख ज्यादा आपको विचलित नहीं करता। दूसरा देश हम ईर्ष्या का भाव रखते हैं। जीवन में दो किस्म की हर इंसान की प्रगति होती है पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड सकारात्मक सोच नकारात्मक। सकारात्मक सोच का जो भी इंसान होगा प्रफुल्लित दिखाई देगा चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट दिखाई देगी सौम्यता सरलता दिखाई देगी। अपना मंगल सबका मंगल सबके मंगल की बात करेगा। किसी पड़ोसी के साथ कुछ अच्छा होता है अच्छा मकान बनता है अच्छा गाड़ी खरीदता है अच्छा बच्चे उसके अंदर से आवाज आएगी बहुत अच्छा बहुत बढ़िया चाहे आप कभी उसकी गाड़ी में ना बैठे बाकी प्रफुल्लित होंगे पड़ोसी के बेटे ने बहुत अच्छी गाड़ी। ये सकारात्मक सोच के निशान
इसी को नकारात्मक सोच में बदले। पड़ोसी का बेटा अपने प्रयासों से गाड़ी जाया है, उसे देखते ही आप एकदम बौखला गए, भाई वो खरीदने की बात नहीं करेगा, इसने कहां से मार दी, अरे भाई कहीं से भी लाया कि उसने डकैती मार दी, तू कैसे परेशान होगा, तुम्हें परेशान होने के लिए ये दुख चार जगह कह रहा है यार इसके पास इतना तो इंतजाम नहीं, बाकी इसका लड़का बहुत लंबी गाड़ी गया है, ये कहां से आया, गाड़ी से भी जाके कह रहा है, अरे देख बाहर उसका लड़का गाड़ी से क्या कहीं से डकैती मार दी, रात को नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहा, सुबह उठती फिर पड़ोसी की गाड़ी दिखाई दे रही है, फिर दिमाग में वो ड्यूटी जा रही है, गाड़ी मारी तो फंसे, अरे काहे को परेशान हो रहा है, तथागत के रास्ते पर सत्य को पहचाना, ये दुख न तथागत का दिया हुआ न किसी और इष्ट का दिया हुआ, ये खुद पैदा करते हो, सबके मंगल की कामना करें, सब में आप ही हैं, बहुत स्पष्ट समझने चाहती हूँ। अभी सभी विद्वान साथी बैठे हैं हमारे पूज्य भिक्षु संघ बैठा है, जब आप सबके मंगल की कामना करेंगे सब में आप ही हैं, ऐसे नहीं आपने लग मोमबत्ती ज्यादा जला दी, आपने बड़ा पंडाल लगा दिया, बड़ा आपने इंतजाम कर दिया तो आपका कल्याण पहले हो, मेरिट लिस्ट बनती है, बना बनाया नियम है, एक अधिक और कर्म, दुनिया की कोई ताकत आपके कर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकती, ओवरलुक नहीं कर सकती, आपके कर्म के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, आपका नंबर आएगा जरूर, किस नंबर पर आता है वो आपके कर्म पर आधारित है, इसलिए साथियों कर्म के प्रति सजग और सचेत रहें, निश्चित तौर पर कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब, आपने सबसे मंगल की बात कही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि हम अपनी कम तादाद को नहीं आना चाहिए, दो सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये चाहे तो एक एक दस दस हजार पांच पांच हजार पांच पांच सौ हजार हजार आदमियों का प्रत्यक्ष नियुक्त करते हैं, भगवान बुद्ध के धर्म में तीन चीजें हमें दी है, तीन रत्न, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध का धर्म एवं उनका संघ, और यहाँ पर ये तीनों चीज मौजूद है, जो आप देख रहे हैं कि जब हमारे यहाँ पर दिल्ली सरकार के पूर्वोत्तर मंत्री भी पहुंचे हुए हैं तो हमारा कार्यक्रम बहुत शानदार है, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें देखिए जो काम होता है पैसे से होता है, इस बार हमें चांस नहीं मिला कि सज्जनों के पास जाने के लिए, तो हमारे कोषाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, जो सज्जन दान